मोदी साहब का बहुत बड़ा खत बन गया पूरे दुनिया में। आज इस वक्त हिंदुस्तान का डंका बज रहा, फॉरेन पॉलिसी में कोई मुकाबला नहीं है। और अभी जो G20 सम्मेलन हुआ, ये ऑर्गेनाइज करना, दूसरा बाइडेन का फिर 26 जनवरी पे आना, ये सब ऐसे संकेत हैं। और जो जितने कंट्रोवर्सी हुई, यूक्रेन का मामला हुआ, इजराइल और गाजा का मामला हुआ, हर एक में हिन्दुस्तान ने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा है, इससे दुनिया में हमारा कद बढ़ा है। और ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये तो ठीक है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ, आगे क्या सरकार के दिमाग में क्या है, क्या करने जा रही है। एक लोग आजकल हर आदमी जुड़ा हुआ है मीडिया से, हर डे टू डे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो एक मैसेज ठीक जाता है सब लोगों से। ये पहली बार एक परंपरा डाली है कि एक प्राइम मिनिस्टर सीधा सब लोगों से, समाज से जुड़े, आम आदमी गांव में जो बैठा है जिसको कोई सुन नहीं रहता, सरपंच भी नहीं मिलता था, उससे प्राइम मिनिस्टर सीधी उससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या लगता है कि ये जो यात्रा निकलेगी लोकसभा को बताने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले, इसका असर विधानसभा के चुनाव में कितना देखते हैं? देखिए, पहले तो अभी तो इमीडिएट लोकसभा पे देखा जाएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद एकदम हड़कंप मचता है, ये आज नहीं सताई हुआ, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2014 में हरियाणा में 4 बीजेपी के MLA थे, केवल 4 थे, और जब चुनाव उसके बाद 4 महीने बाद हुआ तो 4 से 47 हो गए। अब ये देखिए ना, फर्क तो पड़ता है। लोग अब राजस्थान के चुनाव का भी असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश के चुनाव का भी असर पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव तो एक बड़ा, बहुत बड़ा मैंडेट होता है, और कांग्रेसी भी जानते हैं कि 100% बीजेपी जीतेगी एक तरफ इलेक्शन, अकेली बीजेपी ही सिंगल मेजोरिटी में आएगी, NDA तो 7 अलग है, बिना NDA के भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी है, पर NDA तो उनके अपना कोलिशन बना के रखे। कई निजी जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं या हम कहें कि संस्थानों ने सर्वे किया, वो कहते हैं कि 10 में से 6 और 4 का रेशियो हो सकता है, आपको लगता है कहीं जस्टिफाई होता है? मैं ये नहीं मानता कि इन लोगों ने अभी से ये कर लिया हो, ये तो मैं नहीं मानता। हरियाणा में पहले 10 की 10 सीट भी आई है, एक बार 10 में से 9 आई है। हरियाणा हमेशा बीजेपी के हमेशा साथ दिया, बढ़ चढ़ के दिया, पिछले 10 साल से रीजनल पार्टीज का दौर खत्म हुआ था, लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार भाजपा ने अध्यक्ष बदला और एक दलित चेहरा सामने किया, कांग्रेस में भी दलित चेहरा ही सामने, तो क्या लगता है कि दलितों को रिझाने में आप कामयाब हो पाएंगे इस तरीके से? देखिए, हर पार्टी अपने पे फीडबैक लेके सोच समझ के फैसला करती है। जब उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करके करा होगा तो मैं समझता हूँ पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट में करा होगा, उसका ठीक रिजल्ट आना चाहिए। एक और अहम सवाल खड़ा होता है सर कि जितनी यात्राओं के जरिए सरकार बताने की कोशिश करती है और भी तमाम माध्यम है जिससे सरकार अपनी योजनाओं को बताती है, तो ओवरऑल आपको लगता है कि जो विपक्षी हैं उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता पक्ष को मानते हैं कि यही हमारे लिए बढ़िया विकल्प होगा? नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं आता, लोग ये देखते हैं कि वायबल सामने ऑल्टरनेट है कि नहीं। जब नहीं होता तो फिर उसका मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक तो ये कि जितनी बार भी सामने ऑल्टरनेट बन के आया तो लोगों ने फिर कांग्रेस को हरा दिया था, जब ऑल्टरनेट नहीं आया तो फिर लोग कांग्रेस के पीछे वापस चले गए। ये बीजेपी के साथ अब हो रहा है, बीजेपी के सामने कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इस करके लोग फिर बीजेपी का साथ दे देते हैं। पिछली बार भी दिया, अब भी दिया, अब तीसरी बार एक नई चीज बता रहा हूं, मोदी जी पहले दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू के बाद पिछले 50 साल में, जो तीसरी बार भी देश के प्रधान, इंदिरा जी को भी एक ब्रेक आ गई थी 1970 में, एक चुनाव हार गए थे, ये 2014 में मेरे, 19 में मेरे, 24 में फिर देश के प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2, एक सवाल और आपने पूछा था कि एक तो ये पड़ा था इसका असर क्या पड़ता है यात्रा का क्या पड़ता है, दूसरा आपका एक और सवाल था क्या था? मेरा सवाल था कि परसेप्शन कितना चेंज हो पाएगा, खासकर जैसे मोदी जी अब दोबारा तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है विपक्षी अपनी रणनीति नहीं तैयार कर पा रहे हैं या विपक्षियों को लोगों ने नकार ही दिया हिसाब से? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, कांग्रेस का चेहरा कोई नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस की हालत आप देखिए उत्तर प्रदेश में, जहां 425 का सवाल 2 MLA बन के आए हैं कांग्रेस की, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अपने स्टेट में जाकर 85 का सबसे बड़ा, पूरे देश की 1/4 पार्लियामेंट वहां से बनती है, जब वहां वो नहीं कर सके तो यहाँ हरियाणा के लोग कहां सुने, हरियाणा के लोग बहुत आगे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में? देखिए, कई बार पता नहीं होता, जब उनकी तरफ से कोई ऑफर आएगी, कोई होगा, ये तय है कि लड़ूंगा तो राष्ट्रीय पार्टी से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लोकसभा लड़ने का कोई पार्टी ऑफर करेगी तो लड़ेंगे आप? पार्टी ऑफर करेगी तो लड़ूंगा। तो कोई बातचीत हुई अभी हाल के दिनों में, कोई आपने अपना प्रपोजल रखा हो कि मेरी? जब बताने का समय हो वो भी बता दूंगा।